हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को लिखना कैसे स्टार्ट करवाना है। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा हुआ है कि फाइन मोटर स्किल कैसे डेवलप की जाती है, बच्चों की फिंगर्स के जो मसल्स हैं उनको कैसे बोल्ड किया जाता है, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। उसके बाद आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा कि हम पेंसिल कैसे ग्रिप करते हैं। लेकिन ये सब तैयारियाँ किस चीज़ के लिए हो रही है? अल्टीमेटली लिखने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों को लिखना कैसे सिखाया जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारा बच्चा 3 इयर्स का हो गया, उसको हमने LKG में डाल दिया हुआ है या उसको हमने नर्सरी में डाल दिया, जो भी जिस भी स्ट्रीम में आप डाल रहे हैं। तो गए बाज़ार, पेंसिल लाए, कॉपी लाए और चल बेटा आ जा गोदी में और उसको लिखना स्टार्ट, और वो हो जाता है फेडअप और वो कभी भी ज़िंदगी में लिखना नहीं चाहता है। लेकिन आज के टाइम में पेरेंट्स, जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। हर चीज़ बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू करवाई जाती है, उसमें पहले उस टेस्ट को डेवलप किया जाता है, फिर उससे हम कोई भी काम करवा सकते हैं आसानी से। तो मैं आज इसी तरह की एक्टिविटी लेके आई हूँ कि आखिर हमने बच्चे को लिखना, लिखने में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है और लिखाना कैसे है उसको। तो ये बहुत बड़ा टास्क है। वैसे तो टीचर्स अपने भी हाथ पे इस चीज़ को करते हैं, लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमें भी, हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है शायद उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हम अपने बच्चे के लिए उस तरीके का एनवायरनमेंट बना सकें कि वो इजीली घर में खेल खेल में सीख सके। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या करना है। आपने, जब आपका बच्चा स्कूल जाने लगे, तो सबसे पहले तो A4 शीट का एक बंडल आप अपने पास रख लें घर में, क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी आपने करनी होगी तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो लिखना स्टार्ट करने से पहले, जैसे होल्ड उसने पेंसिल कर ली, मेन वही होता है कि हाउ टू होल्ड द पेंसिल, वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है। उसके मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं और इसमें सजेशंस में भी होंगे, कार्ड्स में भी होंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो जब बच्चे ने ये पकड़ लिया तो अब काम आता है मम्मी लोगों का कि मम्मी उसके लिए किस तरीके से उसके लिए एक्टिविटी बनाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक सीनरी बनानी है अपने बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए। ये बना दिया मैंने सन, ये मैंने प्यारा सा सन बना दिया। ये देखिए, इधर बन गया मेरा पूरा सन और यहाँ पर मैंने 2 लाइंस लगा दी सीधी, है ना। बस आपने इतना कर करके रखना है। फिर आपने क्या करना है, एक हट बनानी है आपने। आपने ऐसे वी शेप में एक हट बना दी ऐसे को, और यहाँ पर आपने डॉटेड लाइंस बनानी है, स्टैंडिंग लाइंस। ये हम उसको कंसेप्ट करवा रहे हैं स्टैंडिंग लाइंस का। उसको नहीं बताना आपने कि ये क्या है, उसको बस जस्ट एक एक्टिविटी करवानी है हमने। तो हमने जहाँ हमने उससे कलर करवाना है वहाँ पर हमने जो है डॉटेड कर देना है उसको। तो ये बन गई मेरी हट, और यहाँ पर अब मैं ड्रॉ करूँगी एक ट्री। तो ये देखिए, सीधा 3, उल्टा 3, सीधा 3, बहुत इजी होता है ट्री ड्रॉ करना। अब इसका जो स्टेम होगा उसको फिर आपने डॉटेड कर देना है। ये डॉटेड कर दिया, यहाँ पर बना दे, ये बना दें आप क्लाउड्स, और यहाँ पर फिर से डॉटेड लाइंस, सीधी लाइंस। ये सारी एक्टिविटी मदर्स आपके लिए हैं, ये बच्चों के लिए नहीं है अभी। ये आप लोगों का काम है इसको किस तरीके से करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है एक स्लिपिंग लाइन ऊपर एक नीचे, हमने उससे बॉक्सेस बनवाने हैं। ये देखिए, ऐसे को ऊपर लाइन लगा दीजिए, नीचे लाइन लगा दीजिए, साइड में डॉटेड लाइन लगा दी। अब यहाँ पर जैसे ये चीज़ें इतनी हो गई, फिर उसको बुलाइए अपने पास। उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है, जैसे मैंने ये ब्लैक कलर यूज़ किया है यहाँ पर, आप करेंगे रेड कलर उससे करवाएंगे। मतलब आपने ब्लैक कलर में बना दिया, बच्चा रेड कलर या कोई और जो भी उसको पसंद हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसमें उसकी हेल्प नहीं करेंगी कि कौन सा कलर यूज़ करूँ, उसकी अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस होने दीजिए।
जो वो कलर बोलता है या बोलती है उस कलर को आप यूज़ करवाएं। तो आपने क्या बोलना है उसको, एक खुद करके बताओ कि देखो ये मैंने मिलाया यहाँ पर ऐसे को। तो बच्चे को बोलो, उसकी ग्रिपिंग देख लें आप, यहाँ पे रबड़ बैंड लगा दें और वहाँ जहाँ से वो कलर पकड़ सके, और उसको बोलिए कि इसके ऊपर लाइंस जितनी जितनी मैंने ड्रॉ की हुई हैं उनको लगाओ ऐसे को। उसको अभी भी नहीं पता ये क्या है, उसको ऐसे ही करने दीजिए एक्टिविटीज़। अब उसको बोलो जहाँ पर ये छोड़ा हुआ है मैंने कि यहाँ पर, तो यहाँ पर इस लाइन से मिला दो। देखो वो बड़ी स्लेंटिंग लाइन, सॉरी स्टैंडिंग लाइन सीख रहा है और छोटी स्टैंडिंग लाइन भी सीख रहा है वो। ये देखिए, ये देखिए, तो वो बहुत एंजॉय करेगा इस एक्टिविटी को। वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी करेगा, इतनी सीधी उससे नहीं लगेंगी, तो उसको डांटना नहीं है। जैसे उससे हो रहा है उसको करने दीजिए, बच्चा बहुत एंजॉय करके इनको करेगा। अब आ गया सन, तो सन में मैंने टू लाइंस तो ड्रॉ की हैं, उसको अपने आप सीधी सीधी लाइन लगाने दो। उसको यूं टेढ़ा करवा दीजिए पेपर और उसको बोलो कि इसमें तूने सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करनी है ऐसे को, सीधी बस, कोई स्लैंटिंग नहीं, कोई स्लिपिंग नहीं, सीधी सीधी जैसे वो कर लेता है। फिर उसकी हेल्प कीजिए और ऐसे ले आइए इसको, ऐसे ऐसे। अगर कहीं से उससे स्लैंटिंग हो जाती है, डोंट वरी, वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि क्या वो कर पा रहा है इस चीज़ को या नहीं। आपने उसको ऑब्जर्व करना है उस वक्त, इस जैसे तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कर सकता है। तो ये वाली जो एक्टिविटी थी, ये थी हमारी स्टैंडिंग लाइन के लिए। तो बच्चा हमारा स्टैंडिंग लाइन सीख जाएगा, स्टैंडिंग लाइंस, और इन चीज़ों को आप उसकी एक यादगार के रूप में आप एक फोल्डर लगाइए और डेट वाइज उसकी ये एक्टिविटीज़ रखिए। संभाल कर जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो देखेगा कि ये मेरी, मतलब मैंने तैयारी की थी अपनी स्कूलिंग शुरू करने से पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा स्टैंडिंग लाइन की एक्टिविटीज़। उसके बाद उससे आप 1, 2, 3 लिखवाइए, जैसे बिग ब्लॉक वाली कॉपी लीजिए और उसको पहले तो टू डॉट पे ऐसे जोड़ना सिखाइए उसको, टू डॉट लगाइए, उसको बोलिए जोड़ो इसको इस तरीके से, कहीं भी A4 शीट पे भी कर सकते हैं आप, उसको अभी लाइन में नहीं बांधना है हमने। फिर उसको सिंगल डॉट पे भी सिखाइए कि अब तुझे सिंगल डॉट पे ऐसे डॉट लगा दिए हुए हैं कि एक छोटी छोटी लाइन जो है लगाओ आप। तो आपने उसकी फॉर्मेशन भी देखते रहना है, जब तक ये स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल सीधी नहीं आ जाती है तब तक उसका काम अनकम्प्लीट होगा। उसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट जब तक नहीं आ जाती है उसकी ग्रिपिंग के साथ स्टैंडिंग लाइन, तब तक आपने ये प्रैक्टिस किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू करवाते रहना है इस तरीके से। अब आ गई हमारी इसके बाद स्लिपिंग लाइन। तो स्लिपिंग लाइन के लिए भी आप इसी तरीके का कुछ भी बना लें। तो जैसे मैं स्लिपिंग लाइन के लिए बनाऊंगी यहाँ पर एक बकेट, जैसे बकेट ड्रॉ कर दूंगी एक ट्रांसपेरेंट वाली, जैसी आपकी ड्राइंग हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर उसको एक लाइन लगा के दीजिए ऐसे, और उसको बोलिए कि ऊपर तक ऐसे भरना है आपने इसको, जैसे मैंने ये छोटी 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 लाइंस लगाई हैं उस तरीके से। स्लिपिंग लाइन के लिए दूसरा हम बता सकते हैं उनको, जैसे मैच स्टिक सबके घरों में होती है, तो बच्चे को आप मैच स्टिक पे ग्लू लगा के दीजिए ये ऐसे को, कुछ भी ड्रॉ कर सकती हैं आप और उसके ऊपर मैच स्टिक लगवा सकती हैं। तो जैसे मैंने ये ग्लू लगाई यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ ग्लू लगाई हुई है इसके ऊपर, तो आप बच्चे को ऐसे को इसको चिपकवाएं ऐसे को, कोई भी आप आकृति बना सकती हैं जिसके ऊपर आप ये पेस्ट कर सकें ऐसे को। आप पहले खुद करें फिर बच्चे का हाथ भी लगवाएं। यही सेम चीज़ आप स्टैंडिंग लाइन में भी कर सकते हैं कि जैसे रेन ही बतानी है तो रेन को ऐसे ऐसे आप स्टिक्स लगवा दीजिए। इस तरीके से आप कुछ भी बनवा सकते हैं ये ऐसे लगा के। तो ये इस तरीके से और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू आप अपने बच्चे को स्लिपिंग लाइन सिखा सकती हैं। बच्चे को आप बोलें कि इसमें पानी भर दो ऐसे को, वो जैसे मर्जी भरे, बस उसको एक डायरेक्शन सिखानी है आपने ऐसे को। जैसे उसको फिर बोलें कि इसके साथ लाइन लगा दीजिए ऐसे को,
इस स्टिक के ऊपर नीचे लाइन लगाओ ऐसे को, तो वो ऐसे भी कर सकता है इसको। तो इस इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हो गई उसकी स्लिपिंग लाइंस। अब आ गई हमारी स्लैंटिंग लाइंस, ये टेढ़ी लाइंस ऐसे को। तो सबसे पहले तो आप उसको मैच स्टिक ही ऐसे ड्रॉ कीजिए, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दी ऐसे को, और उसको ग्लू लगा के दें ऐसे को, इसके ऊपर ही ग्लू लगाएं और बच्चे को बोलें कि इसके ऊपर आपने जो है ये स्टिक जो है आपने पेस्ट करनी है। तो देखिए बच्चा ऐसे को करेगा, उसको बोलना लाइन दिखनी नहीं चाहिए। तो देखो कितनी इजीली ये एक्टिविटी हो रही है, उसको पता लग रहा है कि ये स्लैंटिंग लाइन है। ये देखिए स्लैंटिंग लाइंस भी हमारी टू टाइप्स की होती हैं, एक राइट स्लैंटिंग लाइन इस तरीके को जो ये मैंने लगाई, एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ऐसे को। तो उसको दोनों के बारे में अवेयर करवाएं आप। ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, स्कूलों में इसका एक्टिविटी को करवाने के लिए कम से कम एक डेढ़ महीना टीचर इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाती है। तो ये चीज़ आप बिफोर स्टार्टिंग द राइटिंग, तो ये चीज़ें आना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें बच्चों को क्लियर नहीं होंगी तब तक हमारा बच्चा लिखने में कैपेबल नहीं होगा। देखो उसकी हो गई स्लिपिंग, उसकी स्टैंडिंग लाइन क्लियर हो गई, उसकी स्लिपिंग लाइन क्लियर हो गई, उसकी स्लैंटिंग लाइन शुरू हो गई। तो ये पैटर्न थे हमारे तीन, जो हमारी लाइंस होती हैं उनको क्लियर करवाने के, स्लिपिंग स्टैंडिंग एंड और स्लैंटिंग लाइंस। तो जब ये तीन स्लैंटिंग लाइंस या तीन तरह की लाइंस बच्चे की क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आते हैं उसके कर्व्स। तो कर्व्स भी आप इसी तरीके से वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखा सकते हैं, राइट कर्व एंड लेफ्ट कर्व। तो इसको देखिए, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी जो है एक्टिविटी बताती हूँ। अगर तो जैसे मैंने अभी आपको ट्री बनाना सिखाया था, तो ट्री का क्या है, आप वन साइड जो है ड्रॉ कर लीजिए ये ऐसे को। अब बच्चा जो है ये इतना आप ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर कर दीजिए उसको डॉटेड ये ऐसे को। तो बच्चा इसके ऊपर ओवरराइट करेगा और बन गया उसका राइट साइड कर्व बन गए। लेफ्ट साइड करने हो तो यहाँ वाले आप डॉटेड कर दें। बटरफ्लाई इसकी बहुत अच्छा ऑप्शन है, थ्री लिखें आप और यहाँ बना दें बटरफ्लाई का मुंह आप, और यहाँ पर आप डॉटेड कर दें दो तरह के कर्व्स में, और उसको बोलिए कि यहाँ पर इसको मिलाइए। ये देखिए ये बन गया। और इसी तरीके से हम बहुत सारी वेरियस तरह टाइप्स की एक्टिविटीज़ अपने माइंड में बनाकर हम अपने बच्चों को कर्व्स क्लियर करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं बेसिक जो बच्चा लिखना सीखता है उनके लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।